इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। लोग जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भरम है जिंदगी का। दुनिया में सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है एक बार लेकर। तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में तभी तक पूछे जाओगे जब तक दूसरों के काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही माचिस को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने पुत्र को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो, अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, मैं प्यार और वार दोनों वक्त आने पर करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छुट्टी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। घमंड मत करो किसी बात का। एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वह जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी न किसी बात से अंदर तक सताया जा चुका होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उसकी रुचि हम में खत्म हुई, वैसे ही वह हमें नजरअंदाज करने लगता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भूल नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका, उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत बनो कि वह सच में तुम्हें पागल ही समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बातों में आकर किसी की गलत छवि अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाता, उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखा देती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वह साबित कर देते हैं कि वह हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा हो गया है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है, यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। कुछ लोग मतलब के लिए रिश्ता जोड़ते हैं, वह समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं,
बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हम सफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी एक दिन अवश्य रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे, वह गलतियां बहुत दुख देती हैं। जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है, अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता है, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि वह इस दुनिया को अच्छी तरह से जान चुका है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वह तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। किसी की आदत होना प्यार से ज्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूत का पता ही ना हो। किसी ने सच ही कहा है, वह लोग आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर तो इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियों कहां छांव देती हैं। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देता है। अपनी जिंदगी में किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी अवश्य मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी कर लो। अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो। अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई नहीं हो सकता। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले। अपनी जिंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। जिंदगी में एक बात अच्छी सीखी है, जिसे जान से ज्यादा चाहो वह इंसान हमेशा बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए वह सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सकें। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी है। हे ईश्वर, रोटी चाहे काम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी का नजरअंदाज करना। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई है और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उसके खुद के घर में ही कितने झगड़े क्यों ना चल रहे हो, सिर्फ एक गलती की देरी है। फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। जो इंसान दूसरे लोगों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं, जीत भी फीकी लगती है।
अगर बधाई देने वाला आपके साथ ना हो और हार भी सुंदर लगती है, अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत थे जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिंदगी में अक्सर उस इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। आजकल धोखा भी लोग बड़े ध्यान से देते हैं, इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं, मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूं, जिस्म पर जख्म दे दो तो चल चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मत मारना, किसी से जबरदस्ती मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो अपनी जिंदगी में आपकी कितनी अहमियत है। अगर आप किसी को दुख दो तो वह खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वह खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध में जलना मत। अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। किस्मत और लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी से रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, साथ ही जल्दी से मान भी जाते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद कर लेते हैं। शब्द का अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा देते हैं। जिंदगी में कभी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। जमाना उस मोड़ पर आ गया है जिस इंसान की दिल से मदद करो वही इंसान पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। जो बिना मतलब के बात करें ऐसे इंसान की तलाश है। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में अक्सर। वही दिए हाथों को जलाते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वह मिलना चाहता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने अवश्य आएगा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। इंसान सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाता है। सामने वाले को वैसा ही मान लेता है जैसा वह दिखता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। न जाने क्यों इतना दर्द देती है ये मोहब्बत की एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज्यादा सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। भरोसे में इतने अच्छे भी मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको दिखाई ना दे। सही वक्त पर सही बात समझने वाला, गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना खुद के नहीं रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज है, इसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उम्मीद जिंदा